की हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ खाफियो ऐश करो। सवेरे सवेरे गड्डी तैयार है और हम निकल चुके हैं आपके लिए परफेक्ट नाश्ता ढूंढने, वो भी एक संडे मॉर्निंग के लिए। पंजाबी हो, दिल्ली में रहते हो और अगर संडे को छोले भटूरे नहीं खा रहे ना तो पक्का बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो आप। इसीलिए आज मैं निकल पड़ी हूँ आपके लिए दो बेस्ट जगह के छोले भटूरे ट्राई करने और आपको बताने के लिए कि कौन सा वाला सबसे बेटर है, ताकि आपको दोनों जगह के ट्राई ना करने पड़े, आप बेस्ट वाला खाओ। तो चलो आओ चलते हैं। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, छलांगा मार दे गड्डी पहुंच गई है अपनी डेस्टिनेशन पे। आज हम आए हैं इस आइकॉनिक जगह के छोले भटूरे ट्राई करने, जो कि है जेल रोड पे, जिसका नाम है रामा छोले भटूरे। आपने डेफिनेटली किसी ना किसी विराट कोहली इंटरव्यू में जरूर सुना होगा कि उन्हें यहाँ के छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो आज हम टेस्ट करने आए हैं कि इज इट वर्थ द हाइप और नॉट। बहुत फेमस है। इसी के साथ साथ जो दूसरी जगह हमने शॉर्टलिस्ट करी है वो है हनी सिंह के फेवरेट छोले भटूरे। तो आज का जो छोले भटूरे वॉर होने वाला है वो होने वाला है विराट कोहली वर्सेस हनी सिंह। तो आइए दोनों जगह के छोले भटूरे ट्राई करते हैं और देखते हैं किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। चलो, तो यहाँ पे छोले भटूरे के साथ साथ नमकीन लस्सी भी अवेलेबल है, मीठी लस्सी भी अवेलेबल है और दही भल्ले भी अवेलेबल है। तो आज हम छोले भटूरे के साथ नमकीन लस्सी ट्राई करने वाले। बहुत हैवी होने वाला है ये पहला नाश्ता। पता नहीं मैं कैसे दूसरी जगह के लिए जगह बनाऊंगी अपने पेट में, बट छोले भटूरे और लस्सी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, पी के नींद जरूर आएगी क्योंकि एकदम फुलफिलिंग मील होने वाला है। बट आए हैं तो इतनी दूर आए हैं यार, नोएडा से दिल्ली आए हैं, तो ट्राई करना तो बनता है ना। वेट नहीं हो रहा मेरे से, गुड मारने का मन कर रहा है। फाइनली हमारी फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड जगह के छोले भटूरे हम ट्राई करने वाले हैं। मेरी प्लेट आ चुकी है यहाँ पे और ये रही नमकीन लस्सी ग्लास भर के एकदम ठंडी। सो पहले बात करते हैं भटूरों की, गर्मा गर्म निकले हुए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि छोलों को लेके काफी बिल्कुल कंजूसी नहीं है, क्योंकि वैसे आजकल डबल सर्विंग हर जगह दे देते हैं। आई एम श्योर यहाँ भी खत्म होंगे तो और दे देंगे, बट पहले ही जो बाउल दिया है वो काफी भर के दिया है। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक द मोस्ट। काफी जगह बहुत कंजूसी हो रही है आजकल छोलों को लेके, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ में दिया है यहाँ पे अंबिका अचार, हरी मिर्च, सलाद में कच्चा प्याज है और हरी चटनी टॉपिंग है। तो रेडी है कैमरामैन, चलो ट्राई करते हैं। बहुत क्रिस्पी है भटूरे और एकदम गर्म है लाइक आई सेड। तो ये अपने लिए 100 रुपीज की छोले की प्लेट है और 50 रुपए की लस्सी है। बड़ी सी बाइट लेंगे। वेरी टेस्टी। एक से लस्सी का लेते हैं। ओके, बहुत अच्छा मसाला है छोलों का, बहुत टेस्टी है। भटूरे बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे मैंने काफ़ी जगह के भटूरे खाए हैं, आई एम अ भटूरा लवर, और कहीं जगह ना बहुत बहुत मोटे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं भटूरे, तो बहुत अच्छे हैं। प्लेन भटूरे हैं, इसमें पनीर बहुत कम है, धनिया वनिया बहुत कम है, बट टेस्टी है। छोले की अगर मैं बात करूँ, सेपरेट टेस्ट करते हैं सिर्फ छोले। जो मैंने बाइट में लिया, मुझे छोले का मसाला बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट लगा, ओवर ऑयल नहीं लग रहा है मुझे और हैवी नहीं लग रहा है अभी तक तो। वेरी चटपटा, नॉट एक्स्ट्रा स्पाइसी, नॉट मेलो डाउन, एकदम बैलेंस्ड फ्लेवर है छोलों का, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। आई थिंक इट्स टू सून टू से कि बहुत लाइट है, क्योंकि मैंने अभी एक ही बाइट लिया है, पर सच में हैवी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं छोले भटूरे में इतना इन्वॉल्व हो गई, मैं लस्सी के बारे में रिव्यू देना भूल गई। सो लस्सी जो मैंने ट्राई करी है, मैंने नमकीन लस्सी ट्राई करी है, ये भी बहुत लाइट है, डाइल्यूटेड है, मतलब जो होता है ना बहुत हैवी वाली जो झाग झाग हो रही होती है जिस लस्सी में, वैसी नहीं है ये, काफ़ी डाइल्यूटेड है। मसाला बहुत अच्छा है, ओवरऑल ये मील मुझे बहुत लाइट वेट लग रही है, डिस्पाइट बीइंग छोले भटूरे, डिस्पाइट बीइंग टेस्टी, मेरी छाती में हैवी नहीं लग रही है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। वैसे तो मुझे छोले भटूरे, सिर्फ छोले भटूरे और साथ में कच्चा प्याज पसंद आता है, बट मैंने ये अंबिका अचार ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखते कैसा है। बहुत टेस्टी है अंबिका अचार, बहुत अच्छा है, टैंगी फ्लेवर है, नॉट टू स्वीट नॉट टू सार, मतलब खट्टा खट्टा है बट बहुत एक्सट्रीम खट्टा भी नहीं है, सो समथिंग डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग।
सो जब तक मैं ये खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, आपको मैं ये भी बता दूँ, अगर आपको यही वाले छोले भटूरे जो विराट कोहली हमारे फेवरेट बैट्समैन के फेवरेट है, अगर आपको ये ट्राई करने हैं तो आप आ सकते हो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है जेल रोड। यहाँ पे पूरी मार्केट है और यहाँ पे आप बहुत चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, लस्सी, छोले भटूरे, दही बल्ले, आसपास भी बहुत सारी चीज़ें खाने की, तो ज़रूर यहाँ पे आए। तिलक नगर मार्केट बिल्कुल सामने है और ये दूसरी साइड पे पड़ता है रामा छोले भटूरे। यहाँ पे आप इनके छोले भटूरे ट्राई करें और सामने आप मार्केट में शॉपिंग करने भी जा सकते हैं। अब मैं फटाफट ये ख़त्म करने वाली हूँ। अभी तक जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का है विद फूड टेस्ट एंड एवरीथिंग, मैं क्योंकि मैंने बहुत जगह के छोले भटूरे ट्राई करे हैं, आई वुड गिव दिस एन 8 out of 10। अगर मैं यहाँ पे आसपास घूमने आती हूँ, जनकपुरी, तिलक नगर, आई विल डेफिनेटली लव टू कम हियर एंड ईट दीज छोले भटूरे बिकॉज दीज आर रियली वेरी टेस्टी। ओवरऑल रेटिंग जो मैं दूंगी वो 8 है बिकॉज मसाला अच्छा है छोले का, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और स्पाइसी हो सकता था। द काइंड ऑफ टेस्ट आई लाइक, मुझे ज़्यादा स्पाइसी और थोड़ा तड़क भड़क टाइप का मसाला ज़्यादा पसंद है। बाकी सब अच्छा है, छोले भटूरे भी टेस्टी हैं, क्रिस्पी है, सब कुछ अच्छा है, बस छोलों में मुझे थोड़ा सा मसाला लाइट लगा जिस वजह से मैं 2 points काट लिए। सो अब आ गए हैं हम अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पे जो कि है हनी सिंह के फेवरेट छोले भटूरे, CL कॉर्नर मोती नगर। यकीन नहीं होता, ये फोटो देखो, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे खुद पोस्ट किया हुआ है कि बेस्ट छोले भटूरे इन टाउन CL कॉर्नर मोती नगर। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ के छोले भटूरे ट्राई करने और सीधा कंपैरिजन करेंगे रामा छोले भटूरे से जो कि है तिलक नगर में, और बताएंगे कि विराट कोहली की चॉइस अच्छी है कि हनी सिंह की। यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है मोती नगर, और मोती नगर मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है फन सिनेमा, जिसके बिल्कुल सामने मैं खड़ी हूँ। फन सिनेमा के बिल्कुल ऑपोजिट है CL कॉर्नर। छोले भटूरे, पालक छोले, छोले चावल, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिल जाएगी। तो बिना किसी वेट के फटाफट चलते हैं और दोबारा से खाते हैं क्योंकि मुझे फिर से भूख लग गई है तिलक नगर से यहाँ तक आने में, बहुत जाम था भाई। तो जब तक हम इंतजार कर रहे हैं अपने यमी यमी छोले भटूरे प्लेट का, देखो मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। दिस इज द फेसबुक पोस्ट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट हनी सिंह, और उनके कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है CL कॉर्नर के छोले भटूरे उनके फेवरेट है, इसीलिए हम यहाँ पे फटाफट आ गए। सो यहाँ पे हमारी छोले भटूरे की प्लेट आ चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हो भटूरा देखिए कितना फूला फूला, गर्मा गर्म अभी अभी निकला है कढ़ाई से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे छोले आ चुके हैं, छोले में हरी चटनी डाल के दिया है, ओके, और साथ में है सैलेड जिसमें कि अंबिका अचार, हरी मिर्च, कच्चा प्याज और उसके ऊपर भी हरी चटनी। आर यू गाइज रेडी? मैं इसको पॉप करने वाली हूँ और जबरदस्त धुआं निकलने वाला है इसमें से। गरमा गरम भटूरे, ओए होए बहुत गरम है, बहुत गरम है, अभी अभी निकल के आया बस। ओके वाह 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 लवली। अब करेंगे इसका ऑपरेशन, फाड़ देंगे इसे, बहुत गरम है गाइस भटूरे, और काफ़ी मतलब फ्लफीनेस बहुत फील हो रही है मुझे इसको टच करके, मतलब कैसे बताऊँ, कंपैरिजन आ रहा है मेरे मन में सीधा कि वो वाले पतले थे भटूरे, ये वाले थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा फ्लफी हैं उससे, एंड इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि फूले हुए, क्योंकि फूले हुए तो वो भी थे, बट टच करने में फील पता चल रहा है डिफरेंस। ओके हाँ, ऐसे होल्ड करने में भी वो इससे पतला था, ये थोड़ा उससे थिक फील हो रहा है मुझे। आई रियली होप आपको समझ आ रहा हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इसके साथ मैंने सेकेंड राउंड के लिए मंगा लिए थम्सअप, क्योंकि गाइस दो प्लेट छोले भटूरे खाने के बाद डाइजेशन के लिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके ओके गाइस, तो अभी मुझे पता चला है कि एक्चुअली ये जो इसका कलर है छोलों का अलग है, वो ग्रीन चटनी नहीं है, ये पालक है, पालक खा ली। सो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे पालक छोले, छोले चावल ये सब भी मिलता है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए छोले के ऊपर से पालक डाल के दे रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो खा के देखते हैं, पहली बार देखा है ऐसा मैंने कुछ, मुझे तो चटनी लग रही थी, मुझे पता ही नहीं था पालक है, वो तो उन्होंने बताया कि पालक है। चलो अब लेंगे फर्स्ट बाइट, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी खुशबू है, एकदम आपके बड्स एक्टिवेट करने वाली खुशबू। टेकिंग माय फर्स्ट बाइट एट CL कॉर्नर हनी सिंह के फेवरेट छोले भटूरे, भैंस की आँख। यही वो चटपटा पाने जो मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत फर्स्ट बाइट लेने में जो मेरे को मज़ा आया, ज़बरदस्त। छोले खा के देखते एक बारी, चावल लगा
पालक का टेस्ट आ रहा है। तो दिस इज छोले की सब्जी, ऊपर थोड़ा सा पालक डाला हुआ है ताकि बहुत ओवर पावरिंग ना रहे, बट ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाबी छोले हैं, कलर ग्रीन है, सिर्फ कलर अलग है बट स्वाद बहुत ही टेस्टी है। आत्मा तृप्त करने वाला स्वाद है सच में। भटूरे का ऑपरेशन करते हैं। देखिए गाइस कितना पनीर है इसमें। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भटूरे पनीर वाले हैं प्रॉपरली, मतलब इसमें अच्छा खासा पनीर डला हुआ है और धनिया भी है, तो इस वजह से भटूरे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि टोटल कितना टेक्सचर और ये सब, मुझे उससे हल्का सा हैवी लग रहा है, बट जैसे छोले भटूरे होते हैं ना कि बस आप दो प्लेट खाओ, पेप्सी का ग्लास पियो या लस्सी पियो, उसके बाद सो जाओ, तो ये वो प्लेट लग रही है मुझे। प्राइस की बात करें तो ये प्लेट है 110 रुपीज़ की, 10 रुपये महंगी है रामा छोले भटूरे से। पर मुझे ना प्राइस का कंपैरिजन जस्टिफाइड लगता है जब मुझे स्वाद पसंद आए, और मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मुझे 10 रुपये भारी नहीं लग रहे। 110 इज़ अ गुड प्राइस, क्योंकि आजकल गाइस महंगाई बहुत बढ़ गई है वैसे तो। अच्छी जगह के छोले भटूरे इतने तक के ही मिलते हैं आपको, है ना। मेरी तो भाई ढिड्डी भर गई है, और आपके लिए भी ज़बरदस्त दो जगहें मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं संडे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। छोले भटूरे विद लस्सी लो या कोल्ड ड्रिंक, पर संडे को छोले भटूरे तो बनते ही हैं। सो दूसरी जगह के छोले भटूरे ट्राई करने के बाद अब टाइम आ गया है गाइस फाइनल वर्डिक्ट का, कि कौन सी जगह के छोले भटूरे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। देखो हर किसी का अपना टेस्ट होता है ना, पर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आज दोनों जगह के टेस्ट करे, और ओवरऑल भटूरे छोले का टेस्ट, हाउ हैवी देवर, कितना ऑयली था, लस्सी, सब कुछ ट्राई करने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मैं रामा छोले भटूरे को मैंने 8 स्टार्स दिए थे, और सीएल कॉर्नर को मैं दूंगी 9 out of 10। मुझे यहाँ के छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये भी अच्छा लगा कि भटूरे में फिलिंग ज़्यादा थी, मतलब पनीर भी था उसमें, धनिया भी था, जो भटूरा था वो फ्लफी भी ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू रामा छोले भटूरे। दोनों ही छोले भटूरे का टेस्ट A1 था गाइस, पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे सीएल कॉर्नर का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। तो आप भी अगर दिल्ली में हो या दिल्ली आने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ के या रामा छोले भटूरे के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करना विद अ फुल टश लस्सी का गिलास, एंड यू विल बी सॉर्टेड। इसी के साथ एपिसोड 2 ऑफ खाओ पियो ऐश करो खत्म होता है गाइस। होप करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे अच्छे खाने के साथ और डिटेल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।